applied polity, because whatever basic concepts you have read from your basic standard books, like everyone of you must have read that Lakshmikant. तो लक्ष्मीकांत से जो चीजें हमने पढ़ी हैं उनको कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स के साथ या कंटेम्प्रेरी इश्यूज के साथ कैसे लिंक करना है, दैट इज व्हाट वी विल कवर इन अप्लाइड पॉलिटी. राइट, मोस्ट ऑफ पीपल अमंग यू, आप सब में से काफी लोगों ने यू हैव रेड पॉलिटी फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, बट जितना मुझे एक फीडबैक मिला था, लाइक व्हेन आई वाज टीचिंग यू द इकोनॉमी, तो काफी सारे लेवल्स पे आपके देयर इज लॉट ऑफ वीकनेस इन योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स. तो अभी आई वोंट बी एबल टू क्लियर ऑल योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सपोज दिस पॉलिटी हियर, बट व्हाट आई विल बी डूइंग, एटलीस्ट विल बी डूइंग द प्रीएम्बल पार्ट हियर. व्हाई प्रीएम्बल? बिकॉज पॉलिटी में कोई भी क्वेश्चन हो, जहां पे भी आपको डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन आता है या जस्टिफाई करने के लिए आता है, वहां पे एटलीस्ट यू कैन यूज द प्रीएम्बल पार्ट देयर. बिकॉज अगर किसी इंसान ने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट प्रीएम्बल के बेसिस पे, बिकॉज व्हाट आर द एस्पिरेशंस वी वांट टू अचीव बाय अडॉप्टिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड इन प्रीएम्बल इटसेल्फ. इसीलिए जो हमारे फोर फादर्स थे, देवर लीगल लिमनरीज, तो जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट दिया, दे न्यू कि बहुत सारे लोग दे आर नॉट लिटरेट, तो या उतने एडुकेटेड भी नहीं है, उतने पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको कैसे पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है. तो एज अ प्रीफेस थ्रू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दे हैव अडॉप्टेड दिस प्रीएम्बल. यूपीएससी में भी वेन आप में से बहुत सारे लोग आगे जाके मेन्स लिखेंगे, उसमें भी सपोज आपका एथिक्स, स्पेशली द पार्ट एथिक्स में स्पेशल केस स्टडीज आपको अटेम्प्ट करनी होती है वहां पे, और हर चीज का जो जस्टिफिकेशन है, एज ए सिविल सर्वेंट व्हाट मस्ट बी योर आइडियोलॉजी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बिल्कुल अगर एक वो जो जिसको बोलते हैं गुरु मंत्र काइंड ऑफ थिंग, दैट विल बी योर प्रीएम्बल. आप कोई भी चीज जस्टिफाई करने जाओगे तो यू कैन जस्टिफाई इट थ्रू प्रीएम्बल. ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग विद द कंटेम्प्रेरी द अप्लाइड पॉलिटी, I'll like you to brief upon the preamble. ठीक है, तो let me start with the preamble. So preamble reads like this: We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a, no, it is triple SDR, and to ensure to its people JLEF. I'll be doing things in an acronym manner, and I'll be using a lot of innovations like line diagrams etc. to make things clear for you. Abhi yahan pe dekhne ke liye, and suppose we adopted this particular on this date, aise mention karke hoga. Ab sabse pehla cheez ye understand karna hai aapko ki ye preamble dekh ke aapko kya samajh aata hai. Aapko ye samajh aata hai कि इंडिया में सिर्फ एक ही डॉन है. लाइक ए मींस अथॉरिटी, लाइक व्हाट इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आप कोई भी डॉक्यूमेंट लेते हैं तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन होता है? जिसके नीचे उसके सिग्नेचर्स होते हैं, ही दैट पर्सन इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी. सपोज अगर यहां पे आप देखेंगे तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है? हु इज अडॉप्टिंग दिस? द पीपल. सो द पीपल विल बी द सोर्स ऑफ अथॉरिटी हियर. देन कम्स द डेट कि हमने कौन सा डेट को प्रीएम्बल को अडॉप्ट करा. तो कौन सा डेट को अडॉप्ट करा? वेरी गुड, यू ऑलरेडी नो दैट, 26 नवंबर 1900
49. So this is the date. Then O. O means objectives. Suppose what are the objectives? These are the objectives we want to achieve. इसीलिए क्या बोला गया कि through objectives resolution the preamble was adopted because preamble wanted to achieve these objectives. And what are they? Justice, liberty, equality and fraternity. And last is N. N is the nature of state. And what is the nature of state? That is here triple SDR. आपको एक भी चीज भूलनी नहीं चाहिए. S means sovereign, socialist, secular, democratic and republic. आपको इसमें से एक एक चीज का जब मीनिंग क्लियर होगा तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप इसी बेसिस पे यू कैन सॉल्व दैट. सपोज वन बाय वन विल बी ट्राइंग आउट. सबसे पहला सपोज आई विल ट्राई टू टेल यू व्हाट इज डेमोक्रेटिक. देखिए डेमोक्रेसी को बहुत सारे लोग कैसे डिफाइन करते हैं. मेनी टाइम्स व्हेन आई आस्क द एस्पिरेंट्स तो कहते हैं फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल. सी दिस इज अ वेरी लेम डेफिनेशन. व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज तो हमें टेक्निकल इसका डेफिनेशन लिखा है. वी हैव टू यूज दैट टेक्निकल कीवर्ड्स. तो डेमोक्रेटिक को हम ऐसा लिखेंगे पॉपुलर सोवरेंटी. ठीक है, सोवरेंटी का मतलब हो गया सुप्रीमेसी एंड पॉपुलर का मतलब हो गया ऑफ पीपल. तो सुप्रीमेसी ऑफ पीपल दोनों को ऐड करेंगे इट विल बिकम सुप्रीमेसी ऑफ पीपल. अब ये सुप्रीमेसी ऑफ पीपल को हम कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं? सी देयर आर टू वेज टू डू इट. नो हाउ आई डिवाइस दैट ऑन मैक्रो लेवल एंड ऑन माइक्रो लेवल. मैक्रो मीन्स ऑन पॉलिटिकल लेवल and micro means on individual level. Suppose at the political level we can divide it into direct democracy and indirect democracy. Direct means where the people are directly involved in decision making, and indirect means also means representative democracy where the elected representatives for a fixed time period are there to take decisions on the behalf of people. In the similar manner, where people are directly involved in decision making, it is through four tools: initiative, recall, referendum and plebiscite. ठीक है, I'll not explain here ये क्या होते हैं, rather बाद में मैं आपको बताऊंगा. At individual level there are three types of democracies: political, social and economic. Alright. So political, ये बहुत pet question होता है interview में कि हमने कौन से type का democracy achieve किया है. तो political democracy we have achieved in the form of fundamental rights. Why? Because they are justiciable. And social and economic democracy is there in the form of DPSPs. Because they are non-justiciable, so we still have to achieve that. Alright. कौन सा? ये वाला इंडिविजुअल. पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक. पॉलिटिकल इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स बिकॉज दे आर जस्टिसिएबल. वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी. एंड बिकॉज सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी दे आर इन द फॉर्म ऑफ डीपीएसपी. बिकॉज दे आर नॉट जस्टिसिएबल वी आर स्टिल टू अचीव इट. दे आर स्टिल इन द पाइपलाइन. देन सपोज कमिंग टू रिपब्लिक. ठीक है, रिपब्लिक को मैं डेमोक्रेसी के पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन. सी इसमें सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है. देखिए कैसे. सपोज वर्ल्ड की जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं, देखिए बहुत अच्छे तरीके से आई हैव ट्राई टू डिवाइज इट. जितनी भी वर्ल्ड की डेमोक्रेसीज हैं वो दो टाइप की होती हैं. इधर इट इज प्रेसिडेंशियल और इट इज पार्लियामेंट्री.
देखिए यहां से आपका प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री का भी कंसेप्ट क्लियर होता है. हियर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर दे आर डिफरेंट, एंड हियर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर दे आर म्यूचुअली एग्जॉस्टेड इन टू ईच अदर. यहां पर जो हेड ऑफ द स्टेट होता है एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है, ये दोनों सेम होते हैं, सेम पर्सन. यहां पर जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, he is different from head of the government. And head of the state जो होता है, यहां से दो तरीके से differentiate हो जाता है. He can be elected or he can be hereditary. When in a parliamentary form of democracy, the head of the state is elected. That is known as republic. जैसे हमारे यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट है एंड दैट इज बीइंग इलेक्टेड. उसी तरीके से जहां पे हेरिडिटी होता है उसको क्या बोलते हैं, मोनार्की. सो दैट इज अ फॉर्म ऑफ मोनार्कियल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड द बेस्ट एग्जांपल इज यूके एंड हियर द बेस्ट एग्जांपल इज इंडिया. यहां पे भी एक क्वेश्चन आता है कि हाउ इंडियन नो डेमोक्रेसी इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ यूके. तो आपको ये समझ आ गया डेमोक्रेसी का कंसेप्ट. चलिए अब हम जाते हैं सेक्युलर के कंसेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दिस इज समथिंग जो मतलब मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स होते हैं गलत तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं. तो मैं इसको यहां पे थोड़ा रिफाइन करता हूं. सेक्युलर मींस ना, पुटिंग द सेक्युलर इन द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म, सेक्युलर मींस दैट देयर इज नो स्टेट रिलीजन. जब आपको यू हैव टू अटेम्प्ट थिंग्स और यू हैव टू आंसर वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ मेंस और इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू. सी, इंटरव्यू पैनल के पास बहुत टाइम नहीं होता है इफ यू स्टार्ट बीटिंग अराउंड द बुशेस. और जब आप मेंस का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, यू डोंट हैव इनफ वर्ड लिमिट कि आप आगे पीछे, इसीलिए यू हैव टू बी वेरी क्रिस्प एंड स्पेसिफिक. सो सेक्युलरिज्म का, सेक्युलर का मतलब होता है व्हेन देयर इज नो स्टेट रिलीजन, राइट. बट ये सेक्युलरिज्म दो पॉइंट्स पे डिफर कर जाता है, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म एंड नेगेटिव सेक्युलरिज्म. पॉजिटिव सेक्युलरिज्म एंड नेगेटिव सेक्युलरिज्म में ये, इसको वेस्टर्न सेक्युलरिज्म भी बोला जाता है एंड पॉजिटिव इज इंडियन सेक्युलरिज्म. क्या डिफरेंस है दोनों में? चाहे दोनों के अंदर कोई स्टेट रिलीजन नहीं होता है, बट उनका रिलीजन को देखने का एक पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है. सपोज यहां पर क्या होता है, सेपरेशन. वेस्टर्न में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट. स्टेट और रिलीजन एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं. यहां पे क्या होता है, रिकॉग्निशन ऑफ रिलीजन बाय द स्टेट, ठीक है. इसीलिए जो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म होता है, बिकॉज इट इज ना, ऑफ कोर्स देयर विल बी नो स्टेट रिलीजन. इंडिया की पॉलिसीज किसी रिलीजन को देख के नहीं बनेगी, बट एट द सेम टाइम इट विल रिकॉग्नाइज रिलीजन. सो इट विल बी बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ ऑल and equal protection of all religions. And यहां पर separation of religion का क्या मतलब हुआ, no recognition of religion. मतलब अगर इंडिया में ना, देखो वेस्टर्न और इंडियन दोनों जगह पे कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, लेकिन वेस्ट में क्या है, वो स्टेट से रिलीजन को सेपरेट करके देखते हैं, इसीलिए वो किसी रिलीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करते पॉलिसी बनाते टाइम. लेकिन इंडिया, बिकॉज वी आर अ हेटरोजीनियस सोसाइटी, हम स्टेट रिलीजन कोई नहीं रखते. लाइक वी आर नॉट ए मुस्लिम डेमोक्रेसी, इस्लामिक डेमोक्रेसी और ए हिंदू डेमोक्रेसी और ए क्रिश्चियन डेमोक्रेसी फॉर दैट मैटर. बट एट द सेम टाइम वी डू रिकॉग्नाइज रिलीजन व्हाइल फॉर्मिंग द पॉलिसीज. बट व्हाइल डूइंग दैट, व्हाइल गिविंग दैट रिकॉग्निशन, वी विल नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द रिलीजन्स. वी विल बिलीव इन इक्वालिटी ऑफ ऑल एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ ऑल. दिस इज द, तो आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है. चलें फिर आते हैं सोशलिस्ट के कंसेप्ट के ऊपर. देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, क्योंकि आई हैव सीन मैक्सिमम टाइम्स, काफी बार पॉलिटिकल साइंस रखने के बावजूद भी नो पीपल आर नो डूइंग इनजस्टिस टू द कंसेप्ट ऑफ सोशलिस्ट, क्योंकि वो इतना या तो इतना फैला देंगे या इतना रिस्ट्रिक्ट कर देंगे. यू हैव टू बी वेरी क्रिस्प एज आई एम ऑलरेडी टेलिंग. देखो सोशलिस्ट को सिंपली पुटिंग, सोशलिस्ट मीन्स रिमूविंग any kind of inequality in the society.
That is what we mean by being a socialist nation. ठीक है, removing any kind of inequality from the society. ठीक है, देखिए socialist socialism दो तरीके का होता है. एक होता है communist socialism and one is democratic socialism. देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, कम्युनिस्ट सोशलिज्म और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में डिफरेंस है मींस ऑफ प्रोडक्शन का. सो मींस ऑफ प्रोडक्शन इन ए कम्युनिस्ट सोशलिज्म इट इज ओन्ड बाय द स्टेट एंड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में इट इज बेस्ड ऑन मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी मींस प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दे को एग्जिस्ट और यहां पे there is no private sector, all the means of production they are owned by the state. अब ये जो हमारा democratic socialism है, it is an amalgamation of two kinds of socialism. One is Marxist and the other is Gandhian. And with a more tilt towards the Gandhian socialism. तो हम बोलेंगे the socialism in Indian system is a democratic socialism which is a blend of Marxist and Gandhian socialism with a leaning towards the Gandhian socialism. ठीक है, और इसी inequality को जब हम बात करते हैं, suppose we have adopted the LPG reforms and because of that, no, political scientist says that we have leaned more towards the private sector, diluting the public sector and so diluting our democratic socialism. But still वहाँ पे हम कुछ ऐसी practices follow करते हैं. Now I am linking it to, no, what I say, the current perspective. हमने CSR की बात की, corporate social responsibility. तो through this CSR only we are trying to maintain our socialism. ठीक है, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं वहां पे 2% ऑफ प्रॉफिट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन विच इज मेकिंग ए प्रॉफिट बियॉन्ड अ लिमिट, तो उसको अपने 2% ऑफ प्रॉफिट जो है सोशल सेक्टर में स्पेंड करना है. बट अगेन इट इज बीइंग डाइल्यूटेड हियर बिकॉज हमने जब इसमें ना एक प्रोविजन लाया कि अगर आप CSR स्पेंडिंग खुद नहीं कर पा रहे या किसी एजेंसी के थ्रू नहीं कर पा रहे तो आप PM रिलीफ फंड में डाल सकते हो. तो देर आर 3 वेज टू स्पेंड दिस CR, ईदर डू इट ऑन योर ओन और हायर एन एजेंसी और put it in a PM relief fund. But then, no, by imbibing that third aspect ke PM relief fund mein dal sakte ho, we are actually all again diluting it. Why? Because abhi ek trend aaya hai, recent trend aaya hai ke most of the companies they are putting their CSR in the PM relief fund and it is getting static there. Wo wahin pe, matlab, it is not being utilized. In that way we are diluting, you know, upon this particular factor. तो ये क्या हुआ, देखें आपने बेसिकली कन्वेंशनल से शुरू किया सोशलिस्ट वाले एस्पेक्ट से और आप कहां पे आगे करें. अब आपके पास क्वेश्चन आता है सपोज CSR को, मतलब एनालाइज द रीसेंट ट्रेंड्स इन CSR या वेदर CSR इज हैज अचीव्ड व्हाट इट वांटेड टू अचीव, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, उसकी रेलिवेंस के लिए आपको प्रियम्बल में जाना है. ठीक है, प्रियम्बल में जाके यू हैव टू बिगिन फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म, व्हाट इज दिस socialism and what it want to, through democratic socialism we want to remove the inequality but at the same time by having some specific kind of provisions in CSR we are again diluting it there. ठीक है, तो समझ रहे हो आपको conventional को कैसे, ये तो मैं आपको यहाँ introduction दे रहा हूँ, otherwise we'll do it in detail there. ठीक है, and lastly we'll do what is sovereign. ठीक है, sovereign means supreme. ठीक है, by saying that our state is sovereign, we are saying that we are neither a dependency nor a dominion of any external state. ठीक है, कि जब भी हम कोई decisions लेते हैं, while taking any decisions, we are neither a dependency nor a dominion of any external state. ठीक है, by saying that we are saying that whenever we have to take a decision we are very much empowered कि हम अपना decision खुद ले सकते हैं. देखिए इसको justify करने के लिए मैं आपको बताता हूं कि जब भी हम कोई international treaty को adopt करते हैं
तो उसके दो फेजेस होते हैं, एक उसको साइन करना और दूसरा उसको रेटिफाई करना। पहले हमारा जो भी हमारा जो डेलीगेट होगा वो उसको साइन करेगा, लेकिन आफ्टर दैट द रेटिफिकेशन विल बी डन बाय द पार्लियामेंट। तो वही पीपल टुगेदर थ्रू आर रिप्रेजेंटेटिव्स हम उसको क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, इवन आफ्टर साइनिंग वी अडॉप्ट दैट। ठीक है, तो ये दो फेजेस की फॉर्म में हमें क्या पता चल रहा है कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, समझ गए हो? तो हमारा पार्लियामेंट ही एक्सेप्ट करेगा वॉट एवर विल बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, इन दैट वे वी आर वेरी मच सुप्रीम एंड वेरी मच सॉवरेन। अब इसका जो पार्ट सेकंड है दैट विल डू टुमारो। ठीक है, अभी विल कंटिन्यू विद द अप्लाइड पॉलिटिकल लेक्चर, रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रीएम्बल विल डू टुमारो। राइट, आई गेस कि आपके कुछ जो कुछ वीकनेसेस वगैरह थी, बिकॉज यू पीपल आर फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, यहाँ पे करंट अफेयर्स का कर रहे हो, तो आपका कुछ नो रिजॉल्व हुआ होगा। ठीक है, रेस्ट विल डू टुमारो। और अगर फिर भी कोई आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरीज होती है इन एनी पार्ट ऑफ द पॉलिटी, यू कैन कम टू मी। राइट, सो विल बी डूइंग। चले, नाउ विल बिगिन विद द नेक्स्ट पार्ट।